हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जिस मूवी के ऊपर हमने आज ये वीडियो बनाई है वह सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरू होते ही सबसे पहले हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम थोर हेल्ड्रिल है। वह एक बर्फीले इलाके में होता है, वहाँ पर थोड़ा पानी भी भरा हुआ होता है। उसी पानी में दो बर्फ़ के बड़े टुकड़े होते हैं जिनके ऊपर आड़ पड़ी होती है। थोर के साथ और भी कुछ बच्चे होते हैं जो वहाँ पर नहीं जाते, पर थोर वह आरी उठाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। और जब आरी उठाकर वह वापस आ रहा होता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। जब थोर डूब रहा होता है तभी उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं और घर लेकर आ जाते हैं। घर पर थोर के डैड उस पर बहुत नाराज़ होते हैं और उससे कहते हैं कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, पर अपने डैड की किसी भी बात का थोर कोई जवाब नहीं देते हैं। अब हमें साल 1937 दिखाया जाता है जहाँ पर थोर बड़ा हो चुका है। वह अलग अलग इलाके में घूमता है और वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में रिसर्च करके और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानता है। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ एक आइलैंड पर बैठा होता है तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर थोर से कहता है कि ये भगवान ही जानते हैं कि हम ईस्ट से यहाँ पर कैसे आए हैं। इस पर थोर बोलता है क्या आप ईस्ट से आए हैं। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ हम सभी ईस्ट से आए हैं, जैसे कि हवा, सूरज की रोशनी। हम भी सूरज की रोशनी की वजह से ही साउथ अमेरिका से यहाँ पर आए हैं। वह बूढ़ा आदमी थोर को एक स्टैचू दिखाता है जो उनके देवता का होता है। वह बूढ़ा आदमी थोर को बताता है कि कुछ लोगों ने हमारे बारे में गलत लिखा है कि हम एशिया से आए हैं जबकि हम साउथ अमेरिका से आए हैं। अब साल 1946 आता है जहाँ पर थोर को उन लोगों पर रिसर्च करते हुए 10 साल बीत गए हैं। अपनी रिसर्च में थोर यह पाता है कि वह बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था कि वह साउथ अमेरिका से आए हैं ना कि एशिया से। थोर ने उन लोगों के ऊपर अपनी एक किताब भी लिखी है। अब थोर एक पब्लिशर के पास जाता है कि वह उसकी किताब छापे, लेकिन वह पब्लिशर उसकी किताब को छापने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी सारी रिसर्च ही गलत है। हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है या जो भी कुछ सुना है उसमें यही बताया गया है कि वो लोग एशिया से आए थे ना कि साउथ अमेरिका से, क्योंकि उस समय साउथ अमेरिका में कोई भी ऐसे शिप नहीं थे जिसमें बैठकर वो यहाँ आ पाते, और उसके मुकाबले एशिया में ऐसे बड़े बड़े शिप थे जिनमें बैठकर वो यहाँ आ सकते थे। लेकिन थोर उस पब्लिशर से कहता है कि वे लोग वहाँ से राफ्ट पर बैठकर आए थे, जो बांस की बनी नाव का होती है उस पर बैठकर। इस पर वह पब्लिशर हंसने लगता है और कहता है अगर ऐसा है तो तुम भी साउथ अमेरिका से एक राफ्ट पर अपना सफ़र शुरू करो और एशिया के आइलैंड तक जाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी किताब को मैं छापूंगा। अब थोर के पास अपनी बात को सही साबित करने का कोई और रास्ता नहीं था तो वो राफ्ट पर उस 8000 किलोमीटर लंबे सफ़र पर निकलने का मन बना लेता है जिस पर बहुत अधिक खतरा होता है। अब थोर को ये सब कुछ करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो वह कसिनो में जाता है। कसिनो में जाकर वह वहाँ पर बैठे लोगों से अपनी बात बताता है, पर वे लोग उसे पैसा देने के लिए मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि हम ऐसे किसी भी आदमी को पैसा नहीं देंगे जो अपनी मौत खुद बुलाता हो। अब थोर एक क्लब में जाता है। वह राफ्ट का नक्शा बनाकर कुछ लोगों को दिखाता है और उन्हें अपनी बात बताता है। तभी उन लोगों में से एक आदमी बोलता है कि क्या तुम जानते हो इसमें कितना खतरा है, इसमें हमारी जान जा सकती है, अगर रस्सियाँ खुल गई हम वहीं पर मारे जाएंगे। इतना सुनकर थोर वहाँ से चल देता है। तभी पीछे से एक आदमी थोर को आवाज़ लगाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आ, इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थोर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वह कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, और वह थोर को एक नक्शा बनाकर दिखाता है। पर थोर को पैसों की ज़रूरत तो अब भी थी। अब थोर अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वह इस क्रिसमस घर पर नहीं आ पाएगा क्योंकि वह एक लंबे सफ़र पर जा रहा है। यह सुनकर उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि इसमें बहुत खतरा है, पर थोर कहता है कि मैंने जो 10 साल रिसर्च की है उसे सच साबित करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह फ़ोन रख देता है। तो एक दिन थोर एक आदमी के पास जाता है जो कि बहुत अमीर था। वह थोर को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब थोर अपने उस साथी को लेकर एक जगह जाता है जहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ होती है, और वहाँ पर थोर के तीन और साथी बैठे होते हैं। अब ये कुल मिलाकर 5 लोग हो चुके थे। अब उनकी खबर अखबार में भी छप जाती है। अखबार में पढ़कर एक कैमरामैन उनके साथ आ जाता है कि वह भी उनके साथ जाएगा और उनकी वीडियो बनाएगा। अब ये कुल मिलाकर 6 लोग थे। अब ये अपना सफ़र शुरू करने वाले होते हैं
और इन्हें विदाई देने के लिए समुद्र के तट पर बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना होता है कि अब हम इन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे। अब इनके सफ़र की शुरुआत होती। अब उनकी राफ्ट आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। उनकी राफ्ट पर थोड़ा खाने पीने का सामान, एक रेडियो और एक छोटी शिप थी। एक बार रात में जब वो सब सो रहे थे तो वहाँ पर एक भयानक तूफान आता है, जिसके कारण राफ्ट पर लगा कपड़ा ख़राब हो जाता है। थोर उस कपड़े को ठीक करने के लिए खड़ा होता है और वो पानी में गिर जाता है, पर उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। अगली सुबह वो सब देखते हैं कि तूफान ने उनकी राफ्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद वो सभी लोग उसे ठीक कर देते हैं। अब ये आगे की ओर बढ़ते हैं। एक दिन एक बड़ी शार्क उनकी राफ्ट की ओर आती है, जिसे वो शूट करने लगते हैं, पर तभी उनका इंजीनियर साथी उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और राफ्ट पर रखा भाला उठाकर वो शार्क को मार देता है। भाला लगने से शार्क पागल हो जाती है और वो उनकी राफ्ट के चारों ओर घूमने लगती है, जिससे उनकी राफ्ट डूबते डूबते बचती है। यह सब देखकर उनका दूसरा साथी इंजीनियर साथी से लड़ने लगता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। पर तभी उनके बीच थोर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, अगर किसी को कुछ कहना होगा तो मैं कहूँगा। अब इनका सफ़र आगे की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, पर इनका साथी जो कि इंजीनियर है उसके दिमाग में बात आने लगती है, हमारी राफ्ट बहुत जल्दी डूब जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। इस बीच उनका दूसरा साथी जो कि कैमरामैन है, उनकी वीडियो बनाने के लिए राफ्ट से कुछ ही दूर छोटी शिप पर जाता है, उनकी वीडियो बनाने लगता है। तभी उधर बड़ी बड़ी शार्क आ जाती है जो उस पर हमला करने ही वाली होती है, पर तभी थोर ये सब देख लेता है और वो सब मिलकर अपने साथी को बचा लेते हैं। इसी बीच थोर का एक और साथी जिसके पास एक तोता होता है, उसका तोता उड़कर समुद्र में बैठ जाता है, जिसे शार्क खा जाती है। ये सब देख उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और शार्क जब उनके राफ्ट के पास आती है तो वह उसकी पूंछ पकड़कर उसे राफ्ट पर खींच लेता है और उसे मार डालता है। जब शार्क का खून समुद्र में गिरता है तो कितनी ही सारी शार्क उनकी राफ्ट के आसपास आ जाती है। यह सब देखकर इंजीनियर साथी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह कुछ लोहे के तार निकालता है और थोर से कहता है हमें अपनी राफ्ट को इससे बांध लेना चाहिए, नहीं तो यह खुल जाएगी। पर थोर उसके हाथ से वे लोहे के तार छीनकर उन्हें समुद्र में फेंक देता है और कहता है कि हम बिल्कुल वैसे ही जाएंगे जैसे 1500 साल पहले लोग जाया करते थे। थोर का ऐसा व्यवहार देखकर उस इंजीनियर साथी को बहुत गुस्सा आता है और पैर फिसलने के कारण वह पानी में गिर जाता है, पर शार्क का शिकार होने से पहले उसके साथी उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद उस इंजीनियर साथी को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वे सब साथी थोर से बोलते हैं कि शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं, जिस पर थोर कहता है कि नहीं, हम सही दिशा में हैं। अब इनके सफ़र को काफ़ी समय बीत चुका था और इनकी रेडियो ने भी काम करना शुरू कर दिया था, जिसके जरिए ये बाहर की दुनिया में मैसेज भेजते हैं। इनका मैसेज जाने के बाद बाहर कम मच जाता है, क्योंकि सबकी थ्योरी और सबकी रिसर्च गलत साबित हो चुकी थी। एक सुबह जब उनका साथी सोकर उठता है तो उसे आकाश में एक पक्षी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि हम किसी ज़मीन के पास आ गए हैं। और जब वो लोग खड़े होकर देखते हैं तो उन्हें सामने ही एक आइलैंड दिखाई देता है, पर उस आइलैंड पर पहुँचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि आइलैंड के पास इतनी बड़ी और ऊँची लहरें उठ रही थी जो किसी बड़ी शिप को भी डुबो सकती थी। और जब वो लोग उस आइलैंड के पास पहुँचते हैं तो उन राफ्ट भी डूबते डूबते बचता है, जिसके बाद वो सब लोग उस आइलैंड पर उतर जाते हैं। और अब सचमुच इन लोगों ने इतिहास रच दिया था। जिस राफ्ट पर इन लोगों ने अपना सफ़र किया था उसका नाम कोंटिकी था, जो कि आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। और थोर उसके साथियों ने यह भी साबित कर दिया था कि वो बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था कि वे लोग साउथ अमेरिका से आए हैं, ना कि एशिया से।